तो गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो डायग्राम बताने वाला हूँ जिसके हेल्प लेके आप लोग मिनी ड्राइविंग लाइट आपके बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में, इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आप लोग को एक और डायग्राम बताऊँगा जिसकी हेल्प लेके आप लोग फॉग लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिनी ड्राइविंग लाइट एंड फॉग लाइट में कुछ डिफरेंसेस है, इसलिए मैं दो डायग्राम बना के आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले मान लो कि ये मिनी ड्राइविंग लाइट है। मिनी ड्राइविंग लाइट में तीन वायर्स होते हैं, एक होता है येलो, एक होता है रेड एंड एक होता है ब्लैक। ठीक है, तो ये येलो एंड रेड ये दोनों भी अपर एंड डिपर के लिए होता है, यानी कि ये हाई बीम के लिए, सपोज रेड वाला हाई बीम के लिए यूज़ हो रहा है एंड येलो वाला लो बीम के लिए हो रहा है। तो हम लोग येलो वाले को कनेक्शन देंगे एक रिले से एंड रेड वाले को कनेक्शन देंगे दूसरे रिले से। तो मान लो ये रिले है, रिले में हमेशा चार पिन होता है, जो हम लोग हॉर्न का रिले होता है हमारे बाइक में वही वाला रिले लगता है इसके लिए। तो वो रिले में चार पिन्स होते हैं, एक होता है 87, एक होता है 86 एंड 85। तो मैं यहाँ पे 85 85 लिख रहा हूँ, यहाँ पे होता है 86, ये हो गया 86 एंड ये हो गया 30, ये हो गया 30। ठीक है, ये चार पिन हो गए। अब हम लोग को जो ये 87 वाला होता है, ये 87 वाला हम लोग कनेक्शन देंगे फॉग मिनी लाइट में। तो दोनों भी, अब दो लाइट है तो दोनों का भी ये 87 वाला दोनों वाले लाइट में लगेंगे। यानी मान लो कि अभी ये 87 वाला कनेक्शन जा रहा है हम लोग का लो बीम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन आएगा ये लो बीम का एंड सेम रिले से हम लोग दूसरे येलो वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक रिले से हो गया ये लो बीम वाला एंड ये रिले से हम लोग कनेक्शन देंगे हाई बीम को। ठीक है, ये दो वायरिंग हो गए। अब ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा जाएगा ग्राउंड में, तो वो ग्राउंड कैसे कनेक्ट करना है मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में बताऊंगा। ये जो 85 नंबर होता है रिले में, ये 85 नंबर भी ग्राउंड को जाएगा एंड ये जो 30 वाला है ये जाएगा हमारे बैटरी को। ठीक है, मान लो ये बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये वाला जो 30 नंबर है ये हमारे जाएगा पॉजिटिव साइड में। तो जब भी हम लोग ये बैटरी को कनेक्शन देते तो एक फ्यूज़, बीच में एक फ्यूज़ का कनेक्शन होना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं भी है आप लोग के ऊपर है, लेकिन वो लगाना फ्यूज़ अच्छा होता है, क्योंकि अगर फ्यूज़ लगाते एंड बैटरी से कभी ओवर पावर सप्लाई या लो पावर सप्लाई होता है तो हमारे लाइट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए, वो जो फ्यूज़ होगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो मान लो ये 30 वाला कनेक्शन, यहाँ पे मैंने एक फ्यूज़ लगा दिया 15 एम्प का लगा लो। ठीक है, ये एक एक जॉइंट यहाँ पे लगेगा एंड ये जो दूसरा जॉइंट है फ्यूज़ का ये जाएगा बैटरी में। अब तक क्लियर? अब इसके बाद आता है 86 वाला। अब ये 86 दोनों में भी है, हम लोग ने ये वाला लो बीम के लिए यूज़ किया था तो मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ एंड ये वाला हाई बीम के लिए यूज़ किया था तो ये हाई बीम के लिए एच लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 86 वाला हमारा जाएगा स्विच में। ये एक स्विच है
ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। ये वाला मैं लो बीम के लिए स्विच यूज़ करने वाला हूँ एंड ये वाला हाई बीम के लिए स्विच यूज़ करने वाला हूँ, लो बीम के लिए एंड हाई बीम के लिए। तो ये जो लो बीम का ये 86 वाला वायर है, ये जाएगा हमारे ये वाले स्विच के एक वायर में। मान लो इसमें भी दो वायर है, येल्लो एंड रेड, या ब्लैक या रेड एंड ब्लैक, दो जो भी कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग ये वाला 86 वाला इस स्विच के ब्लैक में लगा रहे हो एंड समझो कि रेड एंड येल्लो वाला है एंड ये वाला जो वायर है आप लोग समझो येल्लो में लगा रहे हो, तो ये जो हाई बीम का वायर है ये भी आप लोग येल्लो में ही लगा देना। एंड इसका जो दूसरा रेड वाला वायर है ये जाएगा हमारे इग्निशन में। अब इग्निशन ये MT-15 में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई का आइकन आता होगा, यहाँ पे आप लोग जाके वो देख सकते हैं कि इग्निशन का वायर कैसे फाइंड करना है। तो ये जो दोनों वायर है ये जाएगा हमारा इग्निशन में। अब बचा कौन सा वायर, ये ब्लैक एंड ये 85 वाला जो कि हम लोग को देना है ग्राउंड में। तो ये वायर और ये वायर आप लोग जॉइंट कर लो, अब ग्राउंड की जगह मैं दे रहा हूँ बैटरी में, बैटरी के नेगेटिव साइड में। बाइक में बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे ग्राउंड यानी अर्थिंग का वायर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है एंड अगर कहीं पे गलत लगा लिया तो उन लोग बोलते हैं कि पावर सप्लाई नहीं आ रहा, जबकि पावर सप्लाई बराबर होता है लेकिन आप लोग ने ग्राउंड को बराबर आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो आइडेंटिफाई ना करें तो डायरेक्टली आप लोग बैटरी के नेगेटिव साइड में लगा देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। अब इसकी वायरिंग वापस मैं एक रिपीट करता हूँ, हम लोग का सारा वायरिंग कनेक्ट हो चुका है। ये वाला जो रिले है ये मैंने लो बीम के लिए यूज़ किया, ये वाला रिले जो है ये मैंने हाई बीम के लिए यूज़ किया। ऊपर का जो भी 87 वाला है ये हमारे डायरेक्ट लाइट के कनेक्शन में जाता है, 30 वाला बैटरी पे जाता है, 85 वाला जाता है हमारे ग्राउंड में एंड 86 वाला जाएगा स्विच में, ठीक है। ये 87 एक रिले का काम है लो बीम वाले लाइट को जलाना, तो ये 87 वाला लेफ्ट वाला जो रिले है लो बीम वाला ये मैंने यहाँ से येलो में कनेक्ट किया क्योंकि येलो वाला वायर लो बीम का है एंड ये सेम वायर यहाँ से कनेक्ट करके ये वाले लाइट के येलो में कनेक्ट किया जो कि लो बीम वाला वायर है। इस रिले में 87 में जो है वायर 87 वाला मैंने रेड में कनेक्ट किया एंड यहाँ से सेम दूसरे लाइट के रेड में कनेक्ट किया हाई बीम के लिए। ये जो ब्लैक है ये जाएगा हमारा ग्राउंड में जो कि मैंने वापस से नेगेटिव में लगा दिया बैटरी के। 86 लो बीम का जो मैंने एक स्विच में लगाया हूँ, अगर इसके मान लो जो भी कॉम्बिनेशन है आपका दोनों भी स्विच का सेम कॉम्बिनेशन ना भी हो तो चलेगा। अगर आप लोग ने येलो में लगाया है ये लो बीम का ये जो वायर है 86 वाला येलो में लगाया है तो इस स्विच में भी 86 वाला वायर लो बीम में ही लगाना येलो वाले में। एंड ये जो ऑन का बटन है यानी मतलब दूसरा वायर है रेड वाला, दोनों भी रेड को जॉइंट कर लो एंड इग्निशन में डाल लो, इससे आपका जो है कनेक्शन लाइट चालू हो जाएगा, ठीक है। अब अगला डायग्राम मैं बनाता हूँ जिसमें आप लोग को फॉग लाइट कैसे इंस्टॉल करना है वो बताऊँगा। उसमें सिर्फ एक ही रिले का काम है, उसमें दो रिले नहीं लगेगा क्योंकि उसमें एक ही फोकस का लेंथ होता है। जैसे इसमें हाई बीम लो बीम है, येल्लो कलर एंड वाइट कलर है, फॉग लाइट में वैसा नहीं आता। अगर वैसा आता है तो आप लोग ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा डायग्राम बताता हूँ आपको। मान लो ये फॉग लाइट है, अब फॉग लाइट में सिर्फ ये दो फॉग लाइट है, इसमें सिर्फ दो ही वायर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लो ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है एंड ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोग को एक ही रिले लगेगा, सेम रिले जिसमें 87 नंबर है, 86 है, 85 है, 30 है। तो ये 30 वाला जो है ये जाएगा हमारे बैटरी में, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था बैटरी में डालने के पहले एक फ्यूज़ इंसर्ट करना कंपलसरीली, 15 एम्प का आप फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, 15 एम्प का फ्यूज़ यूज़ करो। एक पॉइंट पे इसको ये वायर लगाओ एंड दूसरे पॉइंट का वायर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड में लगा देना, ठीक है।
85 वाला जो है ये जाएगा हमारा ग्राउंड में, तो ये डायरेक्टली यहाँ से आप लोग ले लो एंड यहाँ से बैटरी के नेगेटिव में लगा देना। 87 वाला जो है ये जाएगा हमारे पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये गया वायर एंड ये वाला जो है नेगेटिव, ठीक है। यह 86 वाला जाएगा हमारा स्विच में, तो एक ही स्विच लगेगा इसमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑन एंड ऑफ का ही काम है, तो यहाँ पे ये जो वायर है ये एक सिरे से लगा देना, इसमें दो वायर होंगे, एक वायर में ये लगा देना एंड जो दूसरा वायर है ये जाएगा हमारा इग्निशन में। अब ये जो ये जो हेडलाइट का दूसरा वाला वायर बचा है जो कि नेगेटिव का है, ये आप लोग ले लो नेगेटिव वाला एंड डाल दो बैटरी के नेगेटिव में। सिंपल, आप लोग को मैं मिनी ड्राइविंग लाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड फ्यूज़ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉग लाइट आप अपने पसंद से बहुत सारे अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, लेकिन मिनी ड्राइविंग लाइट बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में, तो वो कुछ ही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते या सेल करते, तो उनका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी डायग्राम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग की हेल्प कर दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, मैं वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट मैसेज पे रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।